नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले कि आप कैसे आपके YouTube चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं अब आपके YouTube चैनल को कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि आप कैसे आपका फोटो कवर फोटो और बहुत सारी चीजें आती है आपके YouTube चैनल को कस्टमाइज करने में तो अगर आपको यह सब कुछ करना है ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना तो चलिए आज के इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके यूट्यूब चैनल के लिए क्योंकि अगर कोई भी आपके यूट्यूब चैनल पर आता है तो वो जो है प्रोफेशनल नहीं लगता बिना कस्टमाइज किए हुए अब दोस्तों एक और खास बात बतानी थी आपको कि ये जो है हमारे सीरीज का दूसरा वीडियो है जहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे YouTube चैनल को बनाने से लेकर के YouTube चैनल से लाखों कमा सकते हैं तो अगर आपको भी ये सब कुछ जाना है ना तो आप जो है मेरे चैनल पे जा करके हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो हमारी यूट्यूबर की सीरीज तो अब यहाँ पे हमारे चैनल को कस्टमाइज करने में हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ओपन कर देना है आपके क्रोम ब्राउजर को तो आपको जो है यूट्यूब को ओपन नहीं करना है आपको ओपन कर देना है आपके फोन के क्रोम ब्राउजर को और आप जैसे ही ओपन करते हो क्रोम ब्राउजर को तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता होगा तो अब दोस्तों हमें क्या करना है यहां पर आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम तो अब हम सिंपली सर्च कर देते हैं स्टूडियो डॉट यूट्यूब डॉट कॉम और जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो पे और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो अब दोस्तों आप जैसे यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर देते हो ना तो एक और खास बात आपको क्या करनी है कि आपको ये जो जो रेड वाला आइकॉन है ना एरो वाला इस पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे जो है डेस्कटॉप साइट को एनेबल कर देना है जिससे कि आपका जो लैपटॉप और पीसी में जिस तरीके का यूट्यूब दिखाई देता है ना उसी तरीके का हमारा जो यूट्यूब स्टूडियो है वो ओपन हो जाए अब दोस्तों जैसे ही आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाए ना तो यहाँ पे अब मैं जो है डायरेक्टली आपको पीसी में ओपन करके दिखा दू क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ी सी आपको बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी और ठीक से आपको समझेगा कि आपको क्या करना है तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है अपने पीसी को ओपन कर दिया है तो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें क्या करना है जो सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन है ना कस्टमाइजेशन का आपको सिंपली कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो ना तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आ जाता है यहाँ पे लेआउट तो लेआउट में हमें क्या करना है लेआउट क्या हम बाद में देखते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आ जाना है बेसिक इन्फॉर्मेशन पे बेसिक मेशन में हमें क्या करना है सबसे पहले तो आ जाता है हमारा चैनल का नेम तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चैनल का नेम है टेक काउंसिल तो वो ठीक है अगर आपको चेंज करना होगा तो आप इस पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन यानी कि हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है ना वहाँ पे आपको क्या लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है हेलो गाइस इन दिस चैनल यू विल गेट आपको जो जो भी भी आप आप आपके चैनल पे अपलोड करने वाले हो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो और बहुत ज्यादा मत लिखना और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा चैनल यू तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपकी चैनल की लिंक जो भी है होगी वो अब उसके नीचे आपको दिखाई देगा लिंक्स लिंक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आप जो भी चैनल बनाओगे ना आपके यूट्यूब चैनल तो अगर आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई भी आपका जो इंस्टाग्राम का पेज बनाना होगा इंस्टाग्राम का या फिर फेसबुक पेज बनाना होगा तो आप उसकी लिंक जो है यहाँ से शेयर कर सकते हो तो डायरेक्टली आपके जो व्यूवर्स हो वो इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पर या फिर आपके फेसबुक पर पहुँच के आपको फॉलो कर सकता है तो अगर आप जैसे यहाँ पे एड लिंक पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको नेम लिख देना है जैसे कि अगर हमारे इंस्टाग्राम की लिंक होगी तो हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम और यहां पर आपको क्या करना है यू आर पे आपको क्या करना है जो भी आपकी इंस्टाग्राम की लिंक होगी या फिर फेसबुक पेज की लिंक होगी उसे अटैच कर देना है तो यहां पर मैं क्या करता हूं हम सिंपली लिख देंगे यहां पर इंस्टाग्राम अगर आपकी इंस्टाग्राम की लिंक है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसा कि मैं लिख रहा हूँ तो हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम डॉट कॉम और इसके बाद में आपको लगा देना है स्लैश और इसके बाद में आपकी जो भी इंस्टाग्राम की आईडी होगी वो आप लगा सकते हो तो मैं लिख देता हूं यहां पर टेक Council नाइनटीन तो ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी तो आप भी फॉलो कर सकते हो तो ये रही हमारे इंस्टाग्राम की आईडी अब जैसे हम लिख देते हैं इसके नीचे आपको आ जाना है इसके नीचे आपको दिखाई देगा लिंक्स ऑन बैनर तो यहाँ पे आप जो है पांच लिंक लगा सकते हो ऐसी जो भी आपकी सोशल मीडिया साइट्स की होगी वो अब इसके नीचे आपको दिखाई देगा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेनी है ना तो अगर आप यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी देते हो ना तो ब्रांड्स खुद आपको जो है कोलैप्ट करने के लिए जो है आपके लिंक पे मैसेज करेगे लेकिन अगर आपने यहाँ पे ई मेल नहीं डाली होगी तो ब्रांड्स मैसेज नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे ना वो जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट कर रहा है ना वो ईमेल आईडी बिल्कुल भी मत डालना क्योंकि आपकी जो ईमेल आईडी है ना वो हैक भी हो सकती है यानी कि आपका यूट्यूब चैनल हैक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जो भी ई मेल डालनी होगी ना वो एक अलग ई मेल डालनी है जो कि आप सिर्फ ब्रांड के लिए रखोगे यानी कि बिजनेस इंक्वायरीज के लिए और जो स्पॉन्सरशिप है उनके लिए अब हम आ जाते हैं ब्रांडिंग वाले सेक्शन पे अब ब्रांडिंग वाले सेक्शन भी बहुत खास है यहां पर आपको क्या करना है देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो पिक्चर यानी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल का डीपी होगा या फिर प्रोफाइल फोटो होगा ना वो तो अगर आपको प्रोफाइल फोटो को सेट करना है तो आपको सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका जो भी प्रोफाइल फोटो आपको लगाना होगा ना उसे आप लगा सकते हो अब दोस्तों हम आ जाते हैं उसके नीचे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैनर इमेज बैनर इमेज का मतलब क्या है कि आपका जैसा फेसबुक में होता है कवर फोटो वैसे ही यहाँ पर होता है बैनर इमेज तो अगर आपको बैनर इमेज लगाना है तो आप यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे जा सकते हो और आपके बैनर इमेज को लगा सकते हो और बैनर इमेज कैसे बनाएंगे इस पर भी वीडियो आएगी नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली तो यहाँ पर ये वाला है हमारा सीरीज का दूसरा वीडियो सीरीज के तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम जो हमारे चैनल के लिए लोगो बनाएंगे ना वो लोगो कैसे बनाएंगे ये सब कुछ मैं आपको सीरीज के तीसरे वीडियो में बताऊंगा और चौथे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो हमारा कवर फोटो है या फिर बैनर इमेज है वो आप कैसे बनाओगे तो यहाँ पर आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हो अब इसके नीचे आ जाता है हमारा वीडियो का वाटर मार्क ये भी बहुत खास है क्योंकि आपका वीडियो जैसे ही प्ले होता है तो जैसे कि अभी हम आप हम मेरा वीडियो देख सकते हो तो अभी मेरा वीडियो जो प्ले हो रहा है उसके राइट साइड में आप देखना कि नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर आपको मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा वैसे ही आप भी हमारे जो YouTube चैनल का लोगो है ना जो कि लोगो आप यहाँ पे लगाओगे ना वही लोगो को आप यहाँ पे लगा सकते हो तो आपको यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है और आपके जो फोन होता है उसमें से आपके लोगों को अपलोड करना है लेकिन आपने अभी तक लोगो बनाया नहीं है तो लोगों कैसे बनाए वो मैं आपको बताऊंगा थर्ड वाले वीडियो में अब तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है लेआउट लेआउट में आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो स्पॉटलाइट तो यहाँ पर है ऐड अ वीडियो टू टॉप ऑफ योर चैनल होम पेज तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करना होगा ना तो आप कर सकते हो लेकिन आप नहीं करोगे ना तो भी चलेगा ये कुछ इतना मैंडेटरी नहीं है और यहाँ पे ये इसीलिए है क्योंकि अगर कोई नया विवर आए और आपके चैनल पर देखे तो आपको उसे दिखाना है कि आपके चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा तो अगर आपको उस वाले वीडियो को ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो इसके नीचे आपको दिखाई देगा फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स तो अगर आपको जो भी सब्सक्राइबर है यानी कि किसी ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया और वो दूसरी बार आए आपके चैनल पर तो उसको आपको कौन सा वीडियो देखना है वो आप यहाँ से ऐड करके लगा सकते हो और इसके नीचे आपको दिखाई देगा शॉर्ट वीडियो फीचर सेक्शन फीचर सेक्शन क्या है देखो जैसे ही कोई भी बंदा आपके चैनल पे आता है और आपके चैनल को ओपन करता है तो वहां पे आपने देखा होगा कभी कभार आपको दिखाई देगा पॉपुलर वीडियोस कभी कभार आपको दिखाई देगा अपलोड्स तो अगर आपको इन्हें सेक्शन को चेंज करना है ना जैसे कि ये है अपलोड्स अगर मुझे अपलोड्स को ऊपर की तरफ दिखाना है तो अपलोड्स पर मैं क्लिक करूंगा इसे मैं ऊपर लाऊंगा तो जैसे ही हमारा चैनल ओपन होता है तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको अपलोड्स दिखाई देगा उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा शॉर्ट वीडियोस लेकिन अगर आपको यहाँ पे लाना है पॉपुलर वीडियोस तो आप जो है यहाँ पे एड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो भी आपको लाना होगा यहाँ पे ये रहे पॉपुलर अपलोड्स तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जिस भी वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा या फिर जिसने भी आपके चैनल को विजिट किया है उसको दिखाई देगा तब दोस्तों यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है हमारे चैनल का कस्टमाइजेशन लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि आप कैसे आपके चैनल के लोगों को बना सकते हो या फिर आपके चैनल के कवर फोटो को बना सकते हो तो अगर आपको जानना है कि आपके चैनल के लिए लोगो कैसे बनाए तो इस वीडियो को देख लो और इसके बाद में आ जाएगा हमारा चैनल के लिए कवर फोटो कैसे बनाए वो वाला वीडियो